सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स 2024 जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर कैटेगरी में और एडिशनल में, तो सब बच्चों को सीबीएसई ईमेल कर रही है। और क्या सभी बच्चों के लिए अप्लाई है? क्या आपका कंफर्मेशन पेज आने के बाद भी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं? या फिर ये जो ईमेल किया जा रहा है वो सीबीएसई डॉक्यूमेंट क्यों मांग रही है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और केकेपी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहां भी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे बच्चे के पास ईमेल आया हुआ है कि आपको कंफर्मेशन पेज और मार्कशीट आपको सेंड करना है सीबीएसई रीजनल ऑफिस में। ओके, तो जिन बच्चों के पास ईमेल गया है तो वो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज प्लीज उसको रिवर्ट कीजिए, रिप्लाई कीजिए और अपना कंफर्मेशन पेज और मार्कशीट सेंड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सेंड नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100%। तो इस चीज को इग्नोर मत कीजिए, क्लियर? तो और आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड भी जनवरी लास्ट वीक में नहीं आएगा, ये आप कंफर्म रहिए, तो आप इग्नोर मत कीजिए। और जिन बच्चों के पास ईमेल नहीं गया है तो वो बिल्कुल परेशान मत होइए, बट आप लोग ईमेल चेक करते रहिए, हो सकता है कि नेक्स्ट आपको भी ईमेल जा सकता है, तो आप लोग ईमेल चेक करते रहिए और अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रखिए। कंफर्मेशन पेज जिन बच्चों के पास नहीं है वो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए अपडेट है। और आप सबको लगता है कि मैंने अपना फॉर्म सही से अप्लाई कर लिया था, सक्सेसफुली सबमिट हो गया था, पेमेंट भी हो गया था, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो इस भ्रम में, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो वो रिजेक्ट ना हो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको ईमेल चेक करते रहना है, ओके, ताकि अगर आपका ईमेल आया तो तुरंत इमीडिएटली रिवर्ट कीजिए। और मैंने पिछली वीडियो बताया है कि कैसे आपको रिप्लाई करना है, सिंपली आपको उस मेल को ही रिप्लाई ऑल करके भेज देना है अटैच करके, ओके। और ऐसा ये क्यों हो रहा है? होता क्या है कि सीबीएसई का जब फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगा, या फिर आप उस एलिजिबल नहीं होंगे उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, बट आपने अप्लाई कर दिया, या फिर उस रीजनल ऑफिस के पास आपका डेटा नहीं होगा उसको वो कंफर्म करने के लिए वो आपसे ईमेल मांग रहे हैं। तो ये परेशान मत होइए कि हमसे क्यों नहीं ईमेल मांगा गया, उनसे क्यों ईमेल मांगा जा रहा है। तो ये रीजनल ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस रीजनल ऑफिस के पास आपका डेटा है या नहीं है, अगर है तो गलत है या सही है उसको करेक्ट करने के लिए, सिंपली सी बात है। तो अभी स्पेशली पुणे से ही, पुणे रीजनल ऑफिस से ही ये चीज मेल आया है उन बच्चों को जो महाराष्ट्र से हैं, ओके। तो हो सकता है कि आप लोग का भी आए, तो प्लीज बी केयरफुल। और इसके बाद भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज अपडेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, केकेपी क्लासेस है, ये भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है, अब लास्ट टाइम है आप लोगों को अपनी तैयारी करने का, और डेट शीट निकल चुका है। जो बच्चे रेगुलर है, जो बच्चे प्राइवेट है, उन सबका डेट शीट एक ही है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए कि मेरा डेट शीट अलग से आएगा, आपका एग्जाम और रेगुलर बच्चे का एग्जाम सेम टाइम सेम डेट में ही होगा। तो अपना अपना जो डेट शीट है, जो एग्जाम है, उसका टाइम नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या फिर केकेपी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक, बाय बाय।